दोस्तों भाई आज हम बात करने वाले इस वीडियो पर कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन से ही इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। भाई यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इसके बाद मैं आपको एकदम लाइव डेमो दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करना होता है, कैसे बाय करना होता है, शेयर को कैसे बेचना होता है, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं एक दिन में, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भाई यहाँ पर देखो क्या होता है, भाई जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना उस पर क्या होता है, मान लीजिए कि आपको एक शेयर का प्राइस 100 रुपये का है कोई शेयर, लेकिन वो आपको सिर्फ 20 रुपये में मिलने वाला है, वो होता है इंट्राडे। यानी कि आप उस शेयर को सिर्फ 20 रुपये में ही परचेस कर लोगे, क्योंकि वो आपके लिए एक दिन के लिए होगा ओनली। यानी कि सिर्फ आप कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदिए वो भी इंट्राडे पर, तो उसको आप बहुत कम प्राइस पर खरीदेंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है कि आप उसको एक ही दिन में आपको बेचना भी होता है, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट है आपको एक दिन के अंदर ही कमाना होगा। मतलब साफ है कि अगर आप कोई ट्रेडिंग या कोई मतलब साफ है कि आप किसी शेयर मार्केट पर कहीं पैसे स्पेंड कर रहे हैं, चाहे 10,000 कीजिए चाहे 20,000 कीजिए, कितने भी हज़ारों का आप कितने भी लाख रुपए का आप शेयर खरीदिए इंट्राडे पर, वो आपको आज ही उसको सेल करना पड़ेगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा, एक तरह से रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है शेयर मार्केट पर या ट्रेडिंग पर, तो आप प्रॉफिट ज़रूर कमा लेंगे। तो चलिए भाई यहाँ पर देखो पहले हम गुरु एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देखो भाई मैं इसको सिखाने वाला हूँ गुरु एप्लीकेशन के जरिए। अगर आपका गुरु एप्लीकेशन अकाउंट नहीं बना तो मैंने भाई एक वीडियो बनाया है 15 से 20 मिनट का, एकदम शुरू से लेकर एंड तक का अकाउंट एक्टिवेट होने तक का प्रोसेस, तो अगर आप चाहो जाके देख सकते हो। पहले अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। जैसे अकाउंट आप पूरा बना लेते हो फिर आपको सिंपल लॉगिन करना है और आपको सिखाऊंगा कि इंट्राडे पर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो आगे भी लाऊंगा। चलो एप्लीकेशन को ओपन कर लिए, आप भी सिंपल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखो नीचे लिखा है स्टॉक, म्यूचुअल फंड लिखा है, बिल लिखा हुआ, ठीक है। तो तीन ऑप्शन आपके नीचे रहते हैं बेसिक। अगर वीडियो आप लेट देख रहे हो तो हो सकता है बाद में एप्लीकेशन अपडेट हो जाए, तो वो बात अलग है। तो हमें पहले स्टॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है सर्च। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कंपनी का शेयर पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे भाई यहाँ पर देखो टाटा मोटर्स है, जी लोन्स है, NFDS स्टील है, ये कंपनी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। आपको जिस पर भी ट्रेडिंग करना हो, जिस कंपनी पर ट्रेडिंग करना हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। भाई यहाँ पर देखो इस पर आ चुके हैं। भाई किसी भी चीज़ पर, किसी भी कंपनी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लो कि आखिर ये कंपनी का ग्राफ क्या चल रहा है, इसका क्या प्रॉफिट है, लास्ट दिन का, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, ये आप यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस क्या है, आज इसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, इसका पूरा ग्राफ देख सकते हो, कितना पैसा लगा हुआ, कौन सी हुआ, कौन कितना प्रॉफिट कंपनी का हुआ, कितना टर्नओवर हुआ, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तभी आप कहीं भी पैसा स्पेंड करो, शेयर मार्केट हो या फिर ट्रेडिंग हो, कहीं भी, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग कैसे करना होता है। देखो यहाँ पर नीचे लिखा है सेल और बाय, तो हमें बाय में क्लिक करना है। लेकिन बाय में क्लिक करने से पहले आपको अपना पैसे ऐड कर लेना है गुरु एप्लीकेशन पर। पैसे ऐड करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया है, जब अकाउंट मैंने बना रहा था गुरु पर तो मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर डिलीवरी है और इंट्राडे है, ये दोनों का बहुत डिफरेंट होता है। डिलीवरी में क्या होता है, जितने का शेयर होता है उतने का ही आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा है क्वार्टरली, जैसे भाई मुझे सिर्फ एक खरीदना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर जो शेयर की प्राइस होगी वो होगी मेरी 53 रुपये की प्राइस, ठीक है ना, ध्यान से। तो जैसे भाई मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ का मैं अगर भाई यहाँ पर मुझे एक खरीदना है शेयर ना डिलीवरी पर, तो इस पर क्लिक करूँगा तो 53 रुपये का प्राइस, क्योंकि 53 रुपये के हिसाब से शेयर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इंट्राडे पर, तो यहाँ पर देखो इसका जो प्राइस है वो हो चुका है सिर्फ 11 रुपये। यानी कि भाई देखो यहाँ का प्राइस जो है शेयर का वो है 52 रुपये, लेकिन इंट्राडे पर ये मुझे मिल रहा है सिर्फ 11 रुपये। अगर मैं यहाँ पर 2 क्लिक करूँगा तो 22 होगा, 3 क्लिक करूँगा तो 32 रुपये हो जाएगा। यानी कि मुझे सिर्फ 3 शेयर खरीदूँगा मैं और यहाँ पर 32 रुपये मुझे मार्जिन मिलेगा, ठीक है ना, जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर जैसे मैं बाय में क्लिक करता हूँ तो मैंने इसके जो शेयर है उस पर ट्रेडिंग शुरू कर दी है। मैं डन में क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो दोस्तों हम पोजीशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों आपको दिखाई देगा कि आपने कितने NSE लिखा है, +3, यानी मैंने 3 शेयर खरीदे हैं इंट्राडे पर। और इसका जो टोटल हो रहा है दोस्तों वो बजट हमारा एवरेज जो इसका मार्केट प्राइस है वो 52 रुपये है। तो भाई देखो यहाँ पर अभी मैं लॉस पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है टोटल रिटर्न्स, इसका मतलब ये है देखो ये प्रश्न हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना घाटा। जैसे ही आपको लगता है कि यार प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पर एग्जिट ऑल पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो शेयर है वो रुक जाएगा, आप प्रॉफिट कमा लोगे, फिर इसको आप सेल कर सकते हो। जैसे भाई देखो यहाँ पर प्लस है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये, और ये मैं एग्जिट कर देता हूँ। देखो ये मैंने कर दिया,
ये शायद मानस में हो गया था। तो भाई देखो, ये मैंने एग्जिट कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैं इसके बाहर निकल चुका हूँ। अब भाई यहाँ पर क्लिक करता हूँ जाके, देखो मेरा जो भी प्रॉफिट बनाना होगा मेरे यहाँ पर पैसा के ऐड हो चुका है। यानी यहाँ पर आप देखो पोजीशन में जाकर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर देखो लिखा सेल, इस पर हम क्लिक करेंगे ये, ठीक है। हमने 3 किया था, हमने 3 कर दिया और सेल कर देंगे, यह हमने बेच दिया। तो भाई यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आपका बनता है तो आप निकाल सकते हो, बाद में उसको सेल कर सकते हो, सीधी कहानी है, ठीक है ना। ये होता है इंट्राडे, यानी कि आज के लिए ही होता है। इसके लिए जो भी प्रॉफिट होता है आपको वो कमाइए, और जो नहीं होता तो फिर वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप नॉलेज गेन कीजिए कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं इस ट्रेडिंग पर, तो बेस्ट आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना, कोई भी सवाल हो तो मैं आपके लिए रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो आगे भी लाऊंगा इसी चैनल पर। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पर।